इंडिया में एक ऐसी जगह है जिसको बुलाया जाता है गॉड्स ओन कंट्री, यानी कि भगवान का अपना देश। कुछ तो बात होगी इस जगह की कि इसे ये टाइटल दिया गया है ना? केरला, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, इंडिया के साउथ वेस्टर्न मालाबार कोस्ट पे सिचुएटेड एक स्टेट है जहाँ की सबसे लोकली बोली भाषा मलयालम है। जब हम सदर्न इंडिया की बात करते हैं तो लोग उसे अक्सर सिर्फ इडली डोसा सांबर एंड बीइंग अ हॉट लैंड ऑफ इंडिया से रिलेट कर लेते हैं। बट अगर मैं आपको कहूँ कि सदर्न इंडिया में भी आपको शायद स्वेटर तो नहीं मगर हाँ एक शॉल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं तो फिर तो आपको ये वीडियो देखनी बनती ही है। शुरुआत करते हैं मेरे दिल्ली से मुन्नार के सफर की। तो चलिए शुरू करते हैं केरला रोड ट्रिप के पार्ट वन का। केरला में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एज पर माय आइटिनरी, मेरा ट्रैवल दिल्ली से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्लान हुआ था। मेरी एयर इंडिया की फ्लाइट कोची होते हुए दुबई जा रही थी, जिसकी वजह से हमारा डिपार्चर IGI एयरपोर्ट दिल्ली के टर्मिनल 3 इंटरनेशनल डिपार्चर से होने वाला था। चलिए अब आपको देती हूँ मैं टूर अपने एयर इंडिया AI 933 फ्लाइट का, जो कि कोची होते हुए दुबई जा रही थी। इसका डिपार्चर दिल्ली से सुबह 5:10 का था और ये हमें कोची 8 बजे तक पहुँचाने वाली थी। What I truly like about Air India flights is the leg space, जो हमेशा spot on होती है। Although Air India domestic 100% vegetarian बन चुका है, मगर आपको international flight में non-veg खाने को मिल जाएगा। तो chicken curry with Malabar paratha was the first meal of my trip. बाहर actually बहुत तेज धूप खिली है, मगर क्योंकि ये night flight है तो दुबई, तो ये blue screens automatically take off के बाद windows पे आ जाती है, ताकि अंदर dark light रहे और लोग आराम से सो सके। जब तक landing का time ना हो, ये window screens ऐसी ही रहती हैं। मूवीज के अलावा इन फ्लाइट म्यूजिक और साथ ही गेम्स खेलने के लिए कॉन्सोल्स भी अवेलेबल होते हैं। इन शॉर्ट, यू कैन हैव एन अमेजिंग एंटरटेनिंग टाइम ऑन बोर्ड एयर इंडिया ऑलवेज। तो बस ऐसे ही फ्लाइट में चिल करते हुए हम पहुंच गए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्योंकि मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी, हमने फॉर द एंटायर ट्रिप एक मिनी बस हायर करी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका ऑफिशियली स्वागत है केरला में, जहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ हरियाली और फ्रेश हवा महसूस हो रही है, दिखाई दे रही है, उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी इस वक्त हम हैं कोचीन में और हम जा रहे हैं मुन्नार, जो यहाँ से लगभग 4.5 आवर्स की ड्राइव है, मगर हम बीच में बहुत सारे टूरिस्टी स्पॉट्स देखने वाले हैं, तो हो सकता है हमारा ड्राइव थोड़ा सा लंबा हो जाए। चलिए चलते हैं और देखते हैं डे वन केरला व्लॉग में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो अभी हम ऑन द वे टू मुन्नार हैं। हमने लगभग 1.5 घंटे का रास्ता जो सफ़र है वो पूरा कर लिया है और अभी 2.5 घंटे का रास्ता और बाकी है। मेरे पीछे एक रेस्टोरेंट है, ऐसे 2 रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। उसके बाद जो 2-2.5 घंटे की राइड है उसमें बीच में कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर रुके हैं अपना लंच करने के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। अनलिमिटेड स्टाइल थाली है जो पर पर्सन सर्व करी जाती है। सद्या थाली ट्रेडिशनली ओनम फेस्टिवल पे बनाई जाती है और इसे बहुत ही रिलीजियस थाली माना जाता है।
यानी इस थाली की डिशेस को बनाने वाले शेफ को फिजिकली एंड मेंटली प्योर एंड स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी माना जाता है। अगर आप ये थाली देख के सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी थाली है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनली सद्या थाली में 24 से 64 डिशेस होती हैं। यानी जो आप देख रहे हैं वो थाली की बस एक झलक है। इस 100% वेजिटेरियन थाली में था अवियल, एरिसेरे, थोरन, पाइनएप्पल ड्राई करी, मैंगो ड्राई करी, सांबर, रसम, पारिप्पू, मत्ता राइस और मीठा पायसम। तो अभी अभी जो आपने थाली देखी, उस थाली का नाम था संध्या थाली, और वो इनके मेन्यू में ही नहीं है। हम लोगों ने एक्चुअली कुछ लोगों को ये थाली खाते देखा और हमने अपने सर्वर से पूछा कि ये क्या खा रहे हैं, तो उसने बताया कि इस थाली का नाम है संध्या थाली, जो इनके मेन्यू में नहीं है। और ये थाली सबको इतनी पसंद आई कि हम 8 जनों ने इसको भरपूर खाया। इसमें मेरा पर्सनल फेवरेट होगा पाइनएप्पल सब्ज़ी, मैंगो सब्जी और कड़ी विद राइस। अमेजिंग कॉम्बिनेशन। तो अगर आप मुन्नार की तरफ जा रहे हैं तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आइएगा। इसका एड्रेस आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पर संध्या थाली के बारे में ज़रूर पूछिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुन्नार की तरफ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे वाटरफॉल्स देखे हैं, मगर ऐसा वाटरफॉल मैंने कभी नहीं देखा, इतना लंबा वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का नाम है चिरियप्पा वाटरफॉल। चिरियप्पा वाटरफॉल्स कोची मदुरई हाईवे पे सिचुएटेड है और यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करना इज अ मस्ट। फोटोज खिंचवाइए, मगर बंदरों से अपने सामान का ध्यान भी रखिए। इस वाटरफॉल के पास आपको स्नैक्स शॉप मिलेंगी, जहां स्पाइसी पाइनएप्पल जरूर ट्राई करिएगा। ऑन द वे हम एक और जगह रुके टू एक्सप्लोर। केरला सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में स्पाइसेस और आयुर्वेदा के लिए बहुत पॉपुलर है। केरला में आपको कई स्पाइस प्लांटेशंस मिल जाएंगी, तो आप रिसर्च करके अपनी ट्रैवल आइटिनरी के हिसाब से किसी भी अच्छे एंड गवर्नमेंट अप्रूव प्लांटेशन को विजिट कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है टू नो कि केरला में स्पाइसेस का प्रोडक्शन होता कैसा है और कितना ही फर्टाइल लैंड है केरला का। जो मसाले और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हम रोजाना यूज करते हैं, वो उगते कहाँ हैं और ओरिजिनली कैसे दिखते हैं, ये देखकर हम सबको बहुत मजा आया। काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने और समझने को मिली। ये जायफल का पेड़ है, ओके। ये जब पकेगा थोड़ा पीला कलर हो जाएगा, उसके बाद में जब इसका नीचे का पोर्शन जो है ना ओपन हो जाएगा अपने आप, और जायफल और जावित्री दोनों नीचे गिर जाएगा। जायफल के ऊपर कवरिंग होता है, अटैच होता है जावित्री, जो फूल जैसा होता है कि जायफल के ऊपर कवरिंग होता है। ये नीचे गिरने के बाद में हम लोग उसको अलग करना पड़ता है, अलग करके सुखाते हैं। केरला का जो टोटल केरला का एक स्पेशलिटी है, दैट इज फॉर हेयर ऑयल्स। केरला इज फेमस फॉर हेयर ऑयल्स, ओके। तो दो टाइप का हेयर ऑयल के लिए केरला फेमस है, एक तो केश पक्ष और एक नील ब्रिंगादे बोलते हैं। केश पक्ष एक्चुअली बिलो 45-50 ईयर्स एज बिलो है तो कंप्लीट सोल्यूशन फॉर हेयर, लाइक रीग्रोथ के लिए भी मेडिसिन है, व्हाइट हेयर ब्लैक करने के लिए जो कुछ भी है। बिलो 45-50 ईयर्स एज है तो इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर हेयर। और एक जो है नील ब्रिंगादी, एनीवन कैन यूज इट फॉर प्रिवेंशन। ये रेड स्पॉट है, दिस इज कॉल्ड रेड स्पॉट, ओके। ये अभी पक चुका है, काटने का लायक हो चुका है। ये काट के इसका एक्सट्रैक्ट वो हेयर ऑयल में ऐड हो जाता है और इसका फंक्शन है डैंड्रफ हटाना। ये पेपर, ये जो है ये नॉर्मली बेल होता है, मतलब जितना बड़ा पेड़ हो उसके ऊपर चढ़ते रहेगा, क्रीपर है। लेकिन ये इसको हाइब्रिड बना के रखा हुआ है, मतलब छोटा पौधे में ज्यादा फल हुआ जैसा।
तो ये जो है ये ग्रीन वंस कार्ड के सुखाने से ब्लैक हो जाता है। ये सामने उग रहा है काकाओ, जिससे बनती है हम सबकी फेवरेट चॉकलेट। आप लोगों में से कॉफी किसको पसंद है? भाई मुझे तो बहुत पसंद है, और इतनी पसंद है कि रोज एक कप कॉफी के बगैर गुजारा होता नहीं। वेल, फॉर ऑल द कॉफी लवर्स आउट देयर, आई हैव द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉफी सीड्स राइट ऑन माय हैंड। ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है कॉफी की, जिसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसको हमारी ड्रिंकेबल कॉफी में कन्वर्ट करने के लिए, और ये कॉफ़ी आपको केरला में सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप केरला आ रहे हैं, मेक श्योर कि आप कॉफ़ी तो यहाँ से ज़रूर खरीद के जाएं। मुन्नार पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था, मगर फिर भी एक्साइटमेंट बहुत थी, क्योंकि वो शाम क्रिसमस ईव की शाम थी। रात के 7:30 बज गए हैं, और मैं इसको रात ही कहूँगी बिकॉज मेरे लिए तो ये रात ही है। कल रात मैं आई थिंक आधा घंटा सोई होंगी मुश्किल से, उसके बाद मुझे एयरपोर्ट जाना था बिकॉज 5 बजे की फ़्लाइट थी, तो 1:30 बजे तक घर से निकलना ज़रूरी था। और उसके बाद पूरे दिन भर हमने ट्रैवल किया, हमने कोचिन से मुन्नार आते वक्त काफ़ी जगह काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट्स कवर करे हैं, और अब 7:30 बज गए हैं, और अब जाके हम अपने होटल पहुँचे हैं, और अभी मैं अपने रूम के अंदर हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है मुझे, अभी मुझे सिर्फ खाना चाहिए और अपना ये कोजी सा बेड चाहिए। वैसे आज क्रिसमस ईव है, तो हर कोई आज क्रिसमस मनाने के लिए तैयार हो रहा है। रात के 12 बजे क्रिसमस हो जाएगा, चर्चेस में लोग जाएंगे और बहुत सारे पकवान बनने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे आज क्या मिलने वाला है, बट कल मैं ज़रूर क्रिसमस मनाऊंगी। पर उससे पहले और भोजन से पहले मैं आपको अपने रूम का टूर दे देती हूँ, इससे पहले कि गंदा हो जाए। तो चलिए, ये है बेड, बहुत ही सिंपल सा रूम है बट स्पेशियस रूम है, और मुझे ये LED लाइट्स बहुत ही अमेजिंग लग रही हैं। मैंने ऐसी LED लाइट्स कहीं देखी नहीं है, है ना? ये है TV, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर, कॉफ़ी बनाने की एक ये दरवाज़ा है। पहले मैं आपको बता दूँ, ये बाथरूम है, आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रूम क्लीन हो, और क्लीनिंग रूम की नहीं बट बाथरूम की भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो कहीं पर भी मैं जाती हूँ, आई मेक श्योर कि मुझे ऐसी जगह मिले जहाँ पर एटलीस्ट बाथरूम्स और लिनन ऑन द बेड, यानी चादरें बेड पे एकदम साफ़ सुथरी हों। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये मिस्ट्री गेट जो मेरे पीछे है वो क्या है। चलिए देखते हैं इस मिस्ट्री दरवाजे के बाहर क्या है। तारा, ओके, ऑनेस्टली अभी तो मैं आपको नहीं दिखा सकती कि इस बालकनी के सामने व्यू क्या है, बट मैं कल सुबह आपको व्यू ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये था मेरे रूम का टूर, और मैं वेट कर रही हूँ सुबह होने का बिकॉज मुझे ये बालकनी वाला व्यू देखना है। अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ, बट मैं आपको ज़रूर लेके चलूँगी कि डिनर यहाँ का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर डिनर में क्या मिलता है। तो लेट्स गो।
क्योंकि ये रिजॉर्ट एक हिल पे है, यहाँ से मेन मुन्नार टाउन कुछ आधे घंटे की दूरी पे है। अगर आप चाहें तो मेन टाउन में डिनर करके वापस रिजॉर्ट लौट सकते हैं, या फिर यहीं पर बुफे डिनर एंड ब्रेकफास्ट को अपने पैकेज में इंक्लूड करवा सकते हैं। खाना काफ़ी टेस्टी था और क्योंकि बुफे स्प्रेड काफ़ी एक्सटेंसिव था, यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ खाने को मिल ही गया था। फ्रॉम वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियन दे हैड इट ऑल। तो एक फिलिंग डिनर करके वी कॉल्ड इट अ नाइट, इस बात से अनजान कि हमारी बालकनी से हमें अगली सुबह एक बहुत ही ब्रेथ टेकिंग नज़ारे देखने को मिलने वाले थे। तो हमने अपने मुन्नार के स्टे और केरला ट्रिप डे टू में क्या क्या जगह एक्सप्लोर करी और एक्सपीरियंस करी, उसके लिए आपको केरला व्लॉग पार्ट टू का इंतजार करना होगा। मगर क्योंकि ये ट्रिप इतनी एक्साइटिंग थी, तो चलिए मैं आपको आने वाले व्लॉग की एक झलक दिखा ही देती हूँ। Honestly, जिनको चाय पसंद है उनके लिए ये जगह परफेक्ट है। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको केरला का ये व्लॉग कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा केरला का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। दिस इज मी अपूर्वा फ्रॉम स्त्री लॉजी साइनिंग आउट।